नरेंद्र पैराडाइज नाम से, नरेंद्र मोदी वाला मोदी हटा दो, पैराडाइज लगा दो। जय माता दी दोस्तों, जय बजरंग बली एंड जय गोलूदेव। दोस्तों जैसा कि अगर आप मेरी इस सीरीज़ को देख रहे हो तो आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं, आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक बहुत ही शॉर्ट ब्लॉग के थ्रू नैनीताल की ट्रिप पे। और नैनीताल में जो सबसे प्रसिद्ध और जो सबसे बड़े धाम हैं सनातन धर्म से रिलेटेड, नैना देवी मंदिर, जो कि हर एक भारतवासी को पता है जिन्होंने भी नैनीताल का नाम सुना होगा। नैनीताल का जो नाम है वो भी नैना देवी मंदिर से ही आया हुआ है, नैनी झील का भी नाम नैना देवी मंदिर से ही आया हुआ है। उसके अलावा जो दूसरा धाम है गोलू देवता मंदिर, गोलू देवता मंदिर के अलावा मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ कैची धाम की। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इनकी इम्पोर्टेंस बताई थी, जो नैना देवी मंदिर है वो हमारा एक शक्तिपीठ है, टोटल 51 शक्तिपीठ है पूरे भारतवर्ष में। और नैना देवी मंदिर जब आप जाएंगे नैना देवी नैनीताल घूमने, तो नैना देवी मंदिर हर कोई व्यक्ति जाता है जो भी नैनीताल जाता है। तो नैना देवी मंदिर के अलावा वैसे नैनीताल में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट धार्मिक स्थल है हमारे। तो नैना देवी मंदिर के बाद आप गोलू देवता मंदिर भी जा सकते हैं, और उसके बाद आप कैची धाम भी जा सकते हैं। और ये पूरा जो आपका प्रोग्राम है, इसके अलावा जो अलग दूसरे टूरिस्ट स्पॉट है वो भी अगर आप जाते हैं तो एक दिन में ही ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। कैची धाम नीम करोली बाबा का आश्रम है, एक सिद्ध आश्रम है, वहाँ आप जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत ही शांति की अनुभूति होगी। जब नीम करोली बाबा थे तब यहाँ पर उनके बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती थी, और हर एक की वो हेल्प करते थे, हर एक की मदद करते थे, बहुत सारे रुके हुए काम होते थे वो बनते थे। तो और ये तीनों ही प्रसिद्ध धाम है, यहाँ पर जो भी जाता है, जो भी दर्शन करता है, जो भी माटा टेकता है, उसका जो भी रुका हुआ काम होता है वो ज़रूर पूरा होता है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये हमारी गाड़ी, ये हम हैं, आज हमारी एनिवर्सरी है और पार्टी हो रही है। अरे कुंज, कुंज तुमने भी चश्मा लगा लिया? अरे भाभी का चश्मा ऊपर है, ये गुड गुड। युगल तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? कोई नहीं, चलो युगल पहना रहा है, पीछे सब के सब अपना फन लगाए हुए हैं। ये मोना मैडम दिखाओ, हेलो करो, हेलो हेलो करो, हाय कर दो। बस खाली अफसर भाई ने चश्मा न लगाया हुआ, उनको चलानी है गाड़ी। दोस्तों गिरजा देवी हनुमान धाम के दर्शन करने के बाद शाम को 5 बजे के आसपास हम लोग नैनीताल पहुंच गए, और सबसे पहला काम हमने ये किया कि नैनीताल में होटल में रूम बुक करके वहां अपने अपना सामान रखा। पुरु आप कहाँ हो नैनीताल में? और आपको अच्छा लग रहा है? कैसा ठंडा ठंडा लग रहा है? हाँ लेक देखनी है आपको? लेक, ये आपका पहला हिल स्टेशन है? दूसरा पहला लैंडस्टाउन था? दुगड्डा गया था? कोई नहीं, चलो प्रॉपर वाला पहला है। भाई मास्क लगा लो, चालान कट जाएगा। हम आ गए हैं नैनीताल मॉल रोड, शाम के बज रहे हैं 6। चलिए देखते हैं बोट मिलती है या नहीं, फिर बोट से जाएंगे सारे नैना देवी टेम्पल। अरे मास्क वास्क उतार दें या चालान वालान तो नहीं है? कुछ नहीं है, होटल वाला कह रहा था चालान हो सकता है। हेलो, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है?
बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, मन कर रहा है इसमें कूद जाऊं। भैया झील ऐसा है पहाड़ी के बहुत ऊपर है। क्या? पहाड़ी के बहुत ऊपर है। हाँ, गहराई ठीक से पता नहीं है। हाँ, हर साल लाखों लोग आते हैं। हाँ, इतने ऊपर झील आपको इंडिया में कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, तो खासियत ऐसी कुदरती झील है। हाँ, नदियों का पानी सूख जाता है, ये ऐसे ही रहता है, भरा ही रहता है। ये नैनी झील से बात जाना। नैनी झील। अच्छा, जो अगर नैना देवी जाने के लिए बोट करनी है तो वो आगे से मिलती होगी? वो तो वहाँ उधर ही का चलता है, वो मल्लीताल वाला। हाँ, नैना देवी टेम्पल है ना। अच्छा, मल्लीताल कहाँ से स्टार्ट होता है, तल्लीताल कहाँ से? मंदिर से इधर तल्लीताल है, मंदिर से ऊपर मल्लीताल बोलते हैं। अच्छा, मल्लीताल मतलब पहाड़ी में ऊपर वाला साइड। हाँ, तल्लीताल मतलब नीचे वाला साइड। तल्लीताल ये इधर वाला साइड, नीचे मल्लीताल ऊपर। ये जो मॉल रोड है ये तल्लीताल हो गया, ये मॉल रोड तल्लीताल ऊपर वाला, उधर से साइड पॉइंट ये सब मल्लीताल हो गया। सब पहाड़ी पे। ये हनुमान मंदिर यहाँ पे शूटिंग हुई है मूवीज की, बहुत पुरानी फिल्म है। कौन आपको पता है कोई, कौन कौन सी, कोई याद है एक मूवी? कटी पतंग है, पुरानी फिल्म। अरे कटी पतंग की शूटिंग यहाँ पे भी हुई है, पुरानी फिल्म में से 60 साल पुरानी हुई है। और यहीं पे सबसे गहरा पानी आप बता रहे हो? सबसे गहरा यहीं पे है। भैया आप भी अपना नाम बता देना। सोनू नाम है मेरा, भाई का कृष्णा नाम है। कृष्णा, सोनू कृष्णा। दोस्तों जब भी आप आते हो नैनीताल तो आप सोनू कृष्णा भाई अगर दिखते हैं इनकी बोट पे जरूर बैठना, बहुत ही बढ़िया इनका व्यवहार था। दोस्तों ये BS6 हिमालयन का नया मॉडल ट्रिपर के साथ, नेविगेशन के साथ, और ये सारी बाइक्स लाइन से खड़ी हुई हैं। आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक हैं, बाइक रेंटल आप ले सकते हो एक दिन के लिए। फॉर एग्जांपल इन भैया ने एवेंजर ली हुई है 800 रुपये एक दिन के लिए, तो सबके अलग अलग रेट पे हैं ये बाइक रेंटल। और इस प्रकार के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बाइक ऑन रेंट। दोस्तों ये है नैनीताल की फेमस मॉल रोड, यहाँ पर बाइक रेंटल के साथ साथ आपको हर तरीके की शॉप्स मिलेंगी। स्पेशली अगर एज अ सोविनियर आप लेना चाहें तो नैनीताल की मोमबत्तियाँ और जो लकड़ी के बने हुए गुडीज़ होते हैं, शोपीस होते हैं, वो आप ज़रूर लीजिएगा। शॉपिंग करने के बाद आप नैना देवी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए नैना देवी के दर्शन करते हैं। जय माता दी। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर। दर्शन करने के बाद फैमिली ने कुछ शॉपिंग करी, फिर उसके बाद हमने घर जैसा खाना खाया। नैना देवी के सामने ही आपको जो है बहुत सारे भोजन मिल जाएंगे। अगले दिन की शुरुआत चाय के साथ हुई। सुबह सुबह खिड़की के बाहर बालकनी में नज़ारों के साथ चाय का आनंद उठाने के बाद फिर हम निकल लिए वहाँ से गोलूदेव मंदिर और कैंची धाम के लिए। दोस्तों ये है कैंची धाम और आप मेरे सामने देख रहे हो ये वही स्थान है जो पलंग है नीम करोली बाबा का। यहीं पे नीम करोली बाबा
बैठते थे, आराम करते थे और इसी जगह पर उनके भक्त, उनके फॉलोअर्स अपनी अपनी मन्नतें लेकर के आते थे और सबकी मन्नतें बाबा पूरी करते थे। दिया जब माथ तो इस बात की चिंता क्या करते हो तुम दिन रात क्यों दिन बात की चिंता तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। मम्मी से तो जी ने थक चढ़ चढ़ के थक गई है। कल को क्या होगा? असली परीक्षा तो कल है। दोस्तों ये हमारे ट्रिप का दूसरा दिन था और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पूर्णागिरी धाम कल जाएंगे यानी तीसरे दिन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गोलू देवता के दर्शन करने के बाद हम सीधे पूर्णागिरी धाम को निकल गए थे। चलो तो तुमने चिपका दिया? अभी नहीं, ये नहीं है तो फिर आगे होगा। ये सिक्के चिपके हैं हनुमान घंटे में फिर रहे हाँ तो क्या हो गया?